हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहां पे पैन को हीट किया है। पैन हीट हो जाने के बाद ऐड कर देंगे 3 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल हीट हो जाने के बाद ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब जीरा फ्राई हो चुकी है, अब डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ प्याज को मैंने इसे छोटे छोटे साइज़ में कट किया है। 2 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखें। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम प्याज के साथ मिला देंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चा स्मेल निकल जाए। अब प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब डाल देंगे हरी मिर्च और ये है टमाटो। 2 मीडियम साइज़ टमाटो को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। हरी मिर्च को मैंने टमाटो के साथ डाला है क्योंकि पहले डालेंगे तो हरी मिर्ची ज़्यादा फ्राई हो जाएगी। अब इसे हम मिला देंगे। अब ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच नमक। आप आपकी हिसाब से नमक डाल दीजिए। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। सारे सूखी मसाला को हम मिला देंगे। फ्लेम को लो पे रखें क्योंकि ये सारे सूखी मसाला है तो ये जलने के चांसेस बहुत ही है। अब इसे मैंने मिला दिया। अब पैन को कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टमाटो सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे कढ़ाई में थोड़ा सा स्मैश कर लूँगी। अब डाल देंगे पनीर। पनीर लिया मैंने 300 ग्राम। पनीर को मैंने ग्रेट करके लिया है, आप चाहो तो हाथ में इसे छोटा छोटा कर सकते हो। अब पनीर को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इसे हम मिला देंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे और एंड में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया के पत्ते। इसे हम और एक बार मिला देंगे और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।